हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसके फर्स्ट राइटर को पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम जॉन लिली है। और इनके क्विक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, इनका जो बर्थ है वो 1554 में होता है और इनकी डेथ जो है वो 1606 में हो जाती है। और इनको जो ड्रामा की तरफ इनका आकर्षण हुआ या इनका जो रुझान हुआ ड्रामा लिखने की तरफ, वो इसलिए हुआ क्योंकि इनकी एक पॉपुलर बुक आई, जिस ड्रामा आया जिसका नाम था यू फ्यूइज। और ये कलेक्शन था द एटोनमी ऑफ विट एंड यू फ्यूइज ऑफ हिज इंग्लैंड। ये दो एक कंबाइंड मोस्ट फैशनेबल राइटर इनको बना दिया इंग्लिश का 1580s के दौर में। तो ये इनका एक पॉपुलर ड्रामा आया और इन्होंने ये पर्टिकुलर जो ड्रामा था इनको इतना सक्सेस प्रोवाइड किया कि इनका एक अपना स्टाइल बन गया, वे ऑफ राइटिंग हो गई। तो इसको कंसिडर किया जाता है, ये जो इनका पर्टिकुलर ड्रामा था जिसका नाम यू फ्यूइज है, तो उसको कहते हैं कि ये फर्स्ट इंग्लिश प्रोज जो है स्टाइलिश टू लीव एन एंड्यूरिंग इम्प्रेशन अपॉन द लैंग्वेज। इसने पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे अपना बहुत ही डीपर और बहुत ही इम्प्रेसिव इम्पैक्ट छोड़ा, ठीक है। और अब जो अगर हम इनके एज ए प्लेराइट की बात करते हैं, तो इन्होंने जो डायलॉग्स डिलीवरी की करवाई अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, या फिर जो भी इन्होंने राइटिंग की, वो कॉमेडी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। जॉन लिली की अगर हम बात करें, ये यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं जिनको हमने पहले अभी फर्स्ट लेक्चर में इनके बारे में हमने पढ़ा। तो एज ए यूनिवर्सिटी विट, इनका एक जो इम्पॉर्टेंट योगदान रहा वो लैंग्वेज पे रहा स्पेशली, और कॉमेडी पे जॉनरा पे इन्होंने काम किया है। इनके कुछ अगर इम्पॉर्टेंट वर्क देखें तो येस, यू फ्यू इज द एनाटॉमी ऑफ विट्स एंड यू फ्यू इज एंड हिज इंग्लैंड, ये 1578 एंड 1580 में आती है। और इन दोनों ने एक इनको फैशनेबल इंग्लिश राइटर बना दिया 1580s के टाइम में। फिर इनके कुछ अदर अगर वर्क देखें तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है इनका कैंपेस पे, और फिर एंडीमियन द मैन ऑफ द मून, फिर स्फैहो फो एंड गैलाथिया, मिडास, द विमेन ऑफ मून, द लव मेटामॉर्फिस एंड मदर बॉम्बी। तो ये जो पर्टिकुलर सिक्स है, जो कि है द कैंपेस पे, स्फैहो एंड फो, गैलाथिया, मिडास एंड द मदर बॉम्बी, ये जो सिक्स है इसको कोर्ट कॉमेडीज कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम लिली के मैनर को देखें, लिटरेरी स्टाइल को देखें, तो इनकी जो फर्स्ट बुक जो इन्होंने लिखी, यू फ्यूइज जो इनकी फर्स्ट बुक कलेक्शन है, इससे इन्होंने यू फ्यूइज़म करके इनकी स्टाइल बनी, और लिटरेरी स्टाइल इनकी राइटिंग पर्टिकुलर स्टाइल हो गई। और यू फ्यूइज़म की अगर हम बात करें तो ये एक पिक्यूलियर मैनर होता है इंग्लिश राइटिंग का, प्रोज राइटिंग का, जिसमें कि ओरेट मतलब एक अलग सा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एंटीथेसिस इन्वॉल्व होता है, और एलिटरेशन, रिपीटिशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन, ये सारे चीज़ें हमको यू फ्यूज़म में देखने को मिलता है, अगर इस तरीके की कोई स्टाइल लिख रहा है तो ये स्टाइल कॉमन जॉन लिली की वजह से हुआ। इनकी ये अपनी स्टाइल थी लिखने की, इनके बहुत सोफिस्टिकेटेड होती थी इनकी स्टाइल, और डेलिबरेटली इनको अपने वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करने का हमको प्रमाण मिलता है। और इसमें से भी जो लिटरेरी डिवाइसेस इन्होंने यूज़ किया, उसमें एंटीथीसिस है, एलिटरेशन है, इस तरीके के जो लिटरेरी डिवाइस हैं इनके वर्क में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर उन्होंने अपनी चीज़ों को लिखा। तो ये इनकी एक अपनी एक स्टाइल थी, और ये जो यूफ्यूज़म की जो ये लिटरेरी स्टाइल है या लिखने का जो मैनर है, वो कहीं ना कहीं लिली के थ्रू ही कंट्रीब्यूट किया गया है। अब अगर हमको इन अ जनरल बात करें, अगर जनरल सिनेरियो में बात करें, तो जो ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर का ये जो कंसेप्ट है, जो हमको अक्सर सुनने को मिलता है कि प्यार और जंग में, इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो ये जो प्रोवर्ब है ये लिली ने कहीं ना कहीं
इनके यूफ्यूज़म का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, और ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके थ्रू ही एट्रीब्यूट किया गया है हमको। तो अगर इनकी 6 कॉमेडीज़ देखें, जिसको हमें कोर्ट कॉमेडी भी कहा जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडीमियन है एक इनकी इम्पोर्टेंट जो कॉमेडी है, फिर तो आपको देखने को मिलता है कैंपेस पे, फिर आपको स्फेहो फो और गैलाथिया, देन मिडास, देन मदर बॉम्बी। ये इनके 6 कॉमेडीज़ हैं जो कि इन्होंने लिखा, इसको कोर्ट कॉमेडी भी कहा गया और इसको लेटर ऑन जो है एक साथ पब्लिश भी किया गया है। फिर अगर हम इनके एंडीमियन की बात करें तो द मैन इन द मून, इसको कहा जाता है कि इट हैज़ बीन कॉल्ड विदाउट डाउट द बोल्डेस्ट एंड द कंसेप्शन, बोल्डेस्ट इन कंसेप्शन एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लिलीज प्ले। मतलब कंसेप्ट में और एग्जीक्यूशन में, उस कंसेप्ट के एग्जीक्यूशन में। तो एंडीमियन की अगर आप बात करोगे तो वो एक ऐसा ड्रामा है जिसका कंसेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कंसेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्ले है जिसका कंसेप्शन एंड एग्जीक्यूशन बोथ आर वेरी गुड, और ये इसी के लिए कहा जाता है कि जो ये लिली के जितने भी प्लेज हैं उसमें से सबसे अच्छा बोल्ड का, उसका कंसेप्ट काफ़ी बोल्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुली उसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये इसके बारे में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर ज़रूरत होगी आपको तो डेफिनेटली यू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द कंप्लीट समरी ऑफ एंडीमियन इफ़ नेसेसरी। बट टिल नाउ यू हैव टू नो ओनली दिस मच, बिकॉज दैट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लिली ने एंडीमियन में क्या किया, वो उन्होंने एल्यूजन कहाँ से उठाया है, उसका कंसेप्ट कहाँ से उठाया है या सब्जेक्ट कहाँ से उठाया है, वो ग्रीक और रोमन माइथोलॉजीज जो टेक्स्ट हैं, एंशंट ग्रीक रोमन टेक्स्ट और जो ट्रेडिशनल इंग्लिश फोकलोर हैं, उनका पूरा यूज़ हुआ है लिली के एंडीमियन वर्क में, और थ्रू आउट द प्ले हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम एंडीमियन के बारे में बात करें तो उसका लव लेवर लॉस्ट, जो कि शेक्सपियर का एक ड्रामा है, एंड ऑल्सो द मिडसमर नाइट ड्रीम, तो वो इस पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है इन दोनों ड्रामा जो शेक्सपियर के लिखे हुए हैं, दैट इज़ लव लेवर्स लॉस्ट एंड द मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये जो दो ड्रामा है इस पे एंडीमियन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखता है। फिर अगर हम कैंपेस्पे की बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट वेंचर एट राइटिंग फॉर द स्टेज, ये पहला ऐसा काम था जिसको उन्होंने स्पेशली स्टेज के लिए लिखा, और ये कहा जाता है कि इट इज़ द फर्स्ट रोमांटिक ड्रामा ऑफ द एरा। वो अपने एरा का, जिस टाइम पे ये लिखा गया, वो अपने एरा का फर्स्ट रोमांटिक ड्रामा बोला जाता है, दैट इज़ कैंपेस्पे। फिर थॉमस नैश ने अपना कुछ कोट्स लिखा है, कैंपेस्पे से लिया है, फॉर हिज समर लास्ट विल एंड द ट्रीट एंड द टेस्टामेंट। जो समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट थॉमस नैश का वर्क है, उस वर्क में कैंपेस्पे के कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स को नैश ने उठा के अपने वर्क में कोट किया है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ ना ही बहुत मॉरल और एथिकल लेसन टीच करना चाहते हैं लिली, ना ही बहुत उसको मॉरेलिटी प्ले से, ये पूरी तरीके से अलग है, एक तरीके का ये ब्रेकिंग ट्रेडिशन बोला जाता है मॉरेलिटी प्ले का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो मॉरेलिटी प्ले के बारे में पढ़ा तो उसमें हमें पता चला कि जो मेन मोटिव था उस टाइम में मॉरेलिटी प्लेस का, वो कहीं ना कहीं टू टीच पीपल, ठीक है। तो यहाँ चीज़ एथिकल लेसन टीच करना था। अब इस पर्टिकुलर रोमांटिक ड्रामा में हमें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ना ही कुछ मॉरल और एथिकल लेसन हमें कैंपेस्पे से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अब अगर सेफो एंड फो की बात करें तो सेफो एंड फो, इट इज़ द फर्स्ट दैट द प्ले राइट डिवोटेड टू द एलोगोरिकल आइडियलाइजेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ये इसके बारे में कहा गया है, एक एलोगोरिकल आइडियलाइजेशन है क्वीन एलिजाबेथ का। तो यस, ये सेफो एंड फो की स्टोरी बहुत ही कॉमन सी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जा रही। फिर अगर गैलाथिया की बात करें तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द प्लेज परफॉर्मेंस वॉज एट द ग्रीनविच प्लेस
पैलेस। तो ग्रीनविच, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ ग्रीनविच, तो आई होप कि सबको पता होगा। वहाँ से जो आपकी टाइमलाइन है वो वहाँ से निकलती है और फिर वहीं से पूरे वर्ल्ड की जो टाइमलाइन है वो डिवाइड होती है, तो दैट इज़ ग्रीनविच। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्ले वहीं परफॉर्म हुआ था एंड ये पहले एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने परफॉर्म हुआ और इसका इम्पैक्ट हमें एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट जो शेक्सपियर के ड्रामा है उसमें देखने को मिलता है। अब अगर मिडास की बात करें तो ये प्ले लिखा गया स्पेनिश जब डिफ़ीट हुए अरमाडा में इन 1588, उसके बाद इसको मिडास को लिखा गया था। अब अगर मदर बॉम्बे की बात करें तो येस इट इज़ अ यूनिक इन लिली ड्रामेटिक कैनन एज अ वर्क ऑफ फार्स एंड द सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म पे बेस्ड ये वर्क है इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी प्लेस के हिसाब से। फिर तो ये सारा एक कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर मदर बॉम्बे, ये जो प्ले है लिली का, ये सिंगल एक्सप्लोरेशन है टेरेंशियन मोड ऑफ कॉमेडी। अब टेरेंशियन मोड ऑफ कॉमेडी क्या है? टेरेंस इज द रोमन प्ले राइट, ठीक, वो रोमन प्ले राइट थे और उन्हीं के स्टाइल को लिली ने कॉपी किया है दिस पर्टिकुलर मदर बॉम्बे में। तो यस इट इज़ द टेरेंशियन मोड ऑफ कॉमेडी, जैसा कि टेरेंस के प्ले में जो कि रोमन प्ले राइट हैं उनके प्ले में जैसा हमें देखने को मिलता है, तो ये उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। अब अगर हम टाइटल देखें कैरेक्टर की, स्पेशली डिनाइज दैट शी इज़ अ विच, इसमें जो कैरेक्टर होती है जो मदर बॉम्बे इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर और वो अपने आप को कनिंग वुमेन करके बोलती है, तो हो सकता है कि कहीं कभी ऐसा होता है कि नेट एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जहां इंग्लिश लिटरेचर एज ए क्वेश्चन वहां से आ रहा है, तो हो सकता है कि ये पूछ दे कि कनिंग वुमेन करके जो कैरेक्टर है वो किसके वर्क में आया है। तो बिकॉज इट इज़ वेरी अनयूजुअल थिंग, तो कनिंग वुमेन जो है वो मदर बॉम्बे खुद को कहती हैं और ये मदर बॉम्बे का को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का तरीका था। और शी इज़ अ विच, वो एक विच थी, तो येस एंड वेरी वाइज वुमेन। तो ये जॉन लिली का एक प्ले है मदर बॉम्बे जिसमें ये कैरेक्टर आता है, तो येस इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया, अदरवाइज कोई बहुत मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। फिर अगर सिक्स कोर्ट कॉमेडी, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, अगर उसकी बात करें तो ये एक पूरा प्ले जो कॉमेडी लिखा लिली ने उसको प्रिंट किया विलियम स्टैंड्सबाय ने और इसको पब्लिश कराने का जो इम्पॉर्टेंट काम था वो एडवर्ड ब्लाउंट का था। तो ये एक हमको देखने को मिलता है कि हो सकता है आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि सिक्स कोर्ट कॉमेडीज़ किसका कलेक्शन है, किसके ड्रामा का कलेक्शन है या किसके कॉमेडी का कलेक्शन है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन अराइज हो जाए। बिकॉज ये जब आप लिली को पढ़ोगे तो ये बहुत कॉमन आता है सिक्स कोर्ट कॉमेडीज़। तो यस ये लिली के प्ले का कलेक्शन है और विलियम स्टैंडबाय और एडवर्ड ब्लाउंट ने मिलके इसको पब्लिश किया था, प्रिंट किया था, कलेक्शन बना के, एडिशन बना के प्ले के सारे लिली के। फिर कुछ और प्ले हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, इस जो छः कोर्ट कॉमेडीज़ हैं जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, उसके अलावा दो और प्ले लिखे गए जो कि इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एक है द लव्स मेटामॉर्फोसिस जो कि एक एलोगोरिकल पेस्टोरल है जो कि लिखा जॉन लिली ने, और दूसरा प्ले है द वुमेन इन द मून। ये इकलौता ऐसा प्ले है लिली का जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, तो हो सकता है कि ये पूछ दे कि लिली का कौन सा ऐसा वर्क है जो ब्लैंक वर्स में है, तो दैट इज़ द वुमेन इन द मून, और कौन सा ऐसा प्ले है जो कि एलोगोरिकल पेस्टोरल है, तो दैट इज़ लव मेटामॉर्फोसिस। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स था जॉन लिली के बारे में और उनके कुछ वर्क के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो डेफिनेटली रॉबर्ट ग्रीन पे होगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।